फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कोई लैपटॉप लेते हैं, अगर पुराना लैपटॉप लेते हैं या फिर आप खुद के लैपटॉप के कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, जब भी आप कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप को परचेस करते हैं तो आपके मन में ये जरूर चलता होगा कि ये लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। ये सारी चीजें हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं तुरंत ही, ताकि हमको पता चल जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आज हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपके लैपटॉप में कोई भी लैपटॉप हो उसमें एक फंक्शन दिया हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर डायग्नोस। तो उससे हम लोग को ये पता चल पाता है कि पूरे कंप्यूटर को वो खुद से स्कैन कर लेता है और जो भी इंटरनल इसमें जो भी पार्ट लगा हुआ होता है उसको चेक करके और आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाएंगे कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कोई भी लैपटॉप, अगर आप खरीद रहे हैं या आपका खुद का ही लैपटॉप है और उसके बैटरी हेल्थ को देखना चाहते हैं, सीपीयू हेल्थ का देखना चाहते हैं, और भी चीजें जो डिस्प्ले हो गया और भी चीजें, ये सब सारी चीजें को एक बार में आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने एक लैपटॉप पे ले जाते हैं और सारी चीजें को कंप्लीट प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे। अभी हमने एक लैपटॉप को, ये डेल का लैपटॉप है जिसको हमने लिया है, इसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो हम इस लैपटॉप को पहले शट डाउन कर लेते हैं और जब ये बंद हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको बूट कराएंगे, बूट की प्रेस करके। तो बूट की बायोस सेटअप में हम जा करके और डायग्नोस को सेलेक्ट करके और हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो ये लैपटॉप अभी हमारा बंद हो चुका है, तो अभी हम सबसे पहले पावर बटन को प्रेस करेंगे और इसका जो बूट सेटअप का है वो F12 है बूट ऑप्शन का, तो F12 को प्रेस कर दिए। अगर आपको भी जानना है कि अलग अलग लैपटॉप के बूट की क्या होता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको एक PDF का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिस्ट हो जाता है, तो आपको नीचे वाले में डायग्नोस में जाना है। अगर आपके पास HP के लैपटॉप है या फिर लेनोवो का है, आसूस का है, तो उसके सारे का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो अगर आप कमेंट करते हैं, अगर अधिक कमेंट आता है या फिर लाइक वगैरह आता है, तो हम अलग अलग लैपटॉप में भी कोशिश करेंगे ये बनाने के लिए। और अगर आप सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सिर्फ बूट की को आपको अलग अलग प्रेस करना होता है, तो प्रोसेस बाकी सारा सेम ही होता है। यहाँ से आप एरो की को प्रेस करेंगे और नीचे डायग्नोस को सेलेक्ट कर लेंगे, ये अभी हमारा सेलेक्टेड है, और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर आपको वेट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल डिवाइसेस आ चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कीबोर्ड टचपैड वगैरह के लिए नहीं दिया हुआ है, तो इस जो सिस्टम है इसमें आपका जो इंटरनल पार्ट्स लगा हुआ होता है, अगर आप कीबोर्ड को चेक करें तो आप खुद से भी मैनुअली चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो केबल्स है, बूट पाथ है, हार्ड डिस्क है, CD रोम है, वीडियो कार्ड है, पैनल है, जो ये स्क्रीन है, ये प्राइमरी बैटरी है, चार्जर है, प्रोसेसर है, ये सारी चीजों को बिना खोले चेक नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये आप रन करते हैं तो आपके सारे पार्ट्स को चेक करता है और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएगा। तो अभी देखिए हमारा पैनल को इसको चेक कर रहा है, वन बाय वन ये अलग अलग पार्ट को चेक करते जाएगा और लास्ट में आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएगा, कौन सा पास हो चुका है और कौन सा फेल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पैनल्स को फिर से चेक कर रहा है, तो जो कलर का प्रॉब्लम होता है डिस्प्ले में तो ये चेक हो रहा है। जब ये सारे कलर आपको प्रॉपर दिख जाएगा तो यहाँ पे आ रहा वेयर कलर बार्स डिस्प्लेड, अगर सही में डिस्प्ले हो चुका है तो वाई प्रेस करें, नहीं तो एन प्रेस करें। तो यहाँ पे हमारा सारा प्रॉपर है तो वाई प्रेस कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी देखिए यहाँ पे हार्ड ड्राइव को चेक कर रहा है और एक सिस्टम मल्टी प्रोसेसर कैचे को चेक कर रहा है। तो ये सारे सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होता है, स्पीड चलने के लिए और भी चीजें के लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो ये सारा कंप्लीट पास हो जाना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर और टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमारा जो मेमोरी है, रैम, उसको भी चेक कर रहा है और ये हार्ड डिस्क, इन दोनों में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा देर वीडियो में बने रहेंगे और कंप्लीट हम आपको दिखाने वाले। और ये हमारा कंप्लीट टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉम्प्ट लिख के आ गया, नो प्रॉब्लम हैव बीन फाउंड विद दिस सिस्टम सो फार, डू यू वांट टू रन रिमेनिंग टेस्ट। इसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसमें आपका और भी कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका टाइम लग जाएगा 30 मिनट और उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो SP आप क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं चेक करना चाहते तो यहां से आप सीधा नो पे नो सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे तो ये
बंद हो जाएगा। तो यहाँ भी हम नो को सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे देखिए नीचे ओके आ रहा है, एक बार एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट्स आपके पास आ चुका है। तो एक बार हम इस रिजल्ट को देखते हैं इसमें क्या आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर यहाँ पे सिस्टम हेल्थ देखें तो सेंसर का यहाँ पे दिया हुआ करेंट अभी स्टेटस क्या है और हाई, अगर इस रिजल्ट में आप देखें तो लो और हाई के बीच में, अगर यहाँ देखें तो बैटरी चार्ज 70% और हाई कितना है तो 70% है। नीचे अगर यहाँ पे देखें तो हेल्थ ये कितना है, तो ये 77% है और अभी ये है भी 77%। तो आपके बैटरी जितने अच्छे कंडीशन में होगा उतना ज्यादा आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, जितना परसेंटेज आपका लो होगा उतना जल्दी आपका बैटरी खराब भी हो जाएगा और डिस्चार्ज भी होगा करंट फ्लो। तो अभी ये जो भी करंट फ्लो है ये आपको दिखा रहा है। नीचे एडाप्टर देखे तो 19 वाट का एडाप्टर इसमें लगा हुआ है। सेंसर वगैरह का सारे डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार अगर इधर रिजल्ट में देखे तो सारा रिजल्ट अभी हमारा जो है वो पास हो चुका है। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आता है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे ग्रीन टिक लगा हुआ है। अगर कोई भी रेड टिक आता है तो उसमें आपका प्रॉब्लम है और उसे आप उस हार्डवेयर को चेंज करके या फिर उसे रिपेयर करा के उसको ठीक करा सकते हैं। और अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप ले रहे हैं तो अगर कोई भी चीजें एरर आता है तो अवॉइड करें, उसे ना लें, नहीं तो आपको हो सकता है कुछ दिनों में और भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब इस यहाँ पे एग्जिट करने के लिए आप इधर टैब बटन को प्रेस करेंगे और एग्जिट पे जा करके और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे और आपके सिस्टम रिबूट हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी लैपटॉप या आपके सेकेंड हैंड लैपटॉप आप परचेज कर रहे हैं वो लैपटॉप को या आप अपने खुद के लैपटॉप को भी चेक कर सकते हैं। और ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, अलग अलग लैपटॉप में थोड़े बहुत ये फंक्शन चेंज हो सकता है क्योंकि जो बूट की होता है वो सारे लैपटॉप जो भी कंपनीज होते हैं उसके अलग अलग होता है। आपको अगर बूट की नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, उसमें सारे बूट की आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। सिर्फ लैपटॉप को बंद करना है और जो भी आपके लैपटॉप के बूट की है उसे प्रेस करेंगे और हार्डवेयर डायग्नोस में चले जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरे को भी शेयर कर दें।